हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मिस मैरी। आपने अपने घर पे या टीचर से न्यूट्रिएंट्स वर्ड सुना होगा, स्पेशली जब आप खाना खा रहे हो। न्यूट्रिएंट्स फूड के वो कंपोनेंट्स हैं जो आपकी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं, बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स हु ईट प्लांट्स। इसलिए ह्यूमंस एंड एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग वॉटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। ये सारे रॉ मटेरियल्स सराउंडिंग में ही प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड अ बॉडी, टू ग्रो एंड टू प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। न्यूट्रिशन का वो मोड जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, उसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। एंड सिंस प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, उन्हें ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है। एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स टेक फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, इसलिए उन्हें हीटरोट्रॉप्स बोलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि प्लांट्स अपने किस पार्ट में खाना बनाते हैं और उन्हें सराउंडिंग से ये रॉ मटेरियल कैसे मिलता है। चलिए अब हम इन्हीं सब चीजों के बारे में जानते हैं। जैसे हमारे घर में खाना किचन में बनता है, वैसे ही प्लांट्स अपना खाना लीव्स में बनाते हैं, इसलिए लीव्स को प्लांट्स की फूड फैक्ट्री भी बोला जाता है। और इसीलिए सारा रॉ मटेरियल लीव्स तक पहुंचना चाहिए। वाटर एंड मिनरल्स जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें प्लांट की रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हवा से ली जाती है बाय टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल, जो पाइप की तरह होते हैं और रूट से लेके स्टेम और ब्रांचेस तक एक कंटिन्यूअस पाथ या पैसेज बनाते हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए, ताकि वो लीव्स तक पहुंच सके। लीव्स में एक ग्रीन पिगमेंट होता है कॉल्ड क्लोरोफिल। ये सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करने में हेल्प करता है। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर। सिंस फूड का सिंथेसिस सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, इसलिए इसे फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन। फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर नेसेसरी होते हैं। इट इज अ यूनिक प्रोसेस ऑन अर्थ। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड by the leaves and stored in plants in the form of food. Isliye, sun is the ultimate source of energy for all living organisms. Jaise ki buildings brick se bani hoti hain, waise hi living organisms ki body ek tiny unit called cell se bani hoti hai. Ye cells itni choti hoti hain ki inhe microscope se hi dekha ja sakta hai. Some organisms are made of only one cell. Cell एक thin outer boundary से enclosed होती है, called cell membrane. Most cells have a distinct centrally located spherical structure जिसे nucleus बोलते हैं. Nucleus एक jelly-like structure से surrounded होता है, called cytoplasm. अब आप photosynthesis के बिना अर्थ पे लाइफ इमेजिन कर सकते हैं? इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस किसी के सर्वाइवल के लिए फूड नहीं होगा।
As almost all living organisms, directly or indirectly, depends upon food made by plants. उसके अलावा ऑक्सीजन जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत एसेंशियल है वो फोटोसिंथेसिस में ही बनती है. फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में लाइफ इज इम्पॉसिबल ऑन अर्थ. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस सेल्स ऑफ लीव्स कंटेनिंग क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स. द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन इक्वेशन. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वॉटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल मेक्स कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन. सो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होती है और कार्बोहाइड्रेट्स अल्टीमेटली स्टार्च में कन्वर्ट हो जाते हैं. द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट. जिन लीव्स का कलर ग्रीन नहीं होता उनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है. उनमें लार्ज अमाउंट में रेड ब्राउन या किसी और कलर का पिगमेंट होता है जो ग्रीन कलर को मास्क कर देता है, लेकिन स्टिल उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. आपने कभी पॉन्ड्स या स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज में स्लिपरी एंड ग्रीन कलर के पैचेस देखे होंगे. वो जनरली एक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ से बनते हैं जिसे एल्गी बोलते हैं. अब आप गेस कर सकते हो कि एल्गी का कलर ग्रीन क्यों होता है. क्योंकि एल्गी में भी क्लोरोफिल होता है एंड वो अपना फूड खुद बना सकती है फोटोसिंथेसिस से. अभी तक हमने सीखा कि प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स को सिंथेसाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस से एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ये अदर कॉम्पोनेंट्स को सिंथेसाइज करने में भी हेल्प करते हैं जैसे प्रोटीन्स एंड फैट्स. पर प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस मींस जिनमें नाइट्रोजन होता है. अब प्लांट को नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है. हमने पढ़ा है कि एयर में गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन अबंडेंस में अवेलेबल है बट प्लांट्स उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं. सॉइल में कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो गैसियस नाइट्रोजन को एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉइल में रिलीज करते हैं. फिर प्लांट्स पानी के साथ साथ इन सॉल्यूबल फॉर्म्स को एब्जॉर्ब कर लेता है. और उसके अलावा आपने फार्मर्स को देखा होगा सॉइल में फर्टिलाइजर्स ऐड करते हुए जो कि नाइट्रोजन में रिच होते हैं. इस तरीके से प्लांट्स अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है. देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल. वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते तो फिर वो कैसे सर्वाइव करते हैं. ऐसे प्लांट्स ह्यूमन एंड एनिमल्स की तरह दूसरे प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं. दे यूज हीटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. यू कैन सी अ येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री. दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कस्क्यूटस और अमरबेल. इसके पास अपना क्लोरोफिल नहीं होता है एंड ये जिस प्लांट पे क्लाइम करती है उसी से फूड लेती है. द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड द होस्ट. ये होस्ट प्लांट से वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स लेती है इसलिए इसे पैरासाइट बोलते हैं. क्या आपने कभी ऐसे प्लांट्स के बारे में सुना है जो इंसेक्ट्स और एनिमल्स को खाते हैं. देर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम. Isn't it amazing? ये प्लांट्स ग्रीन या किसी और कलर के भी हो सकते हैं. आपको जो पिचर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है वो लीफ का एक मॉडिफाइड पार्ट है. इसकी एपेक्स एक लिड या ढक्कन फॉर्म करती है जो कि पिचर के माउथ को ओपन या क्लोज कर सकती है. इस पिचर के अंदर हेयर्स होते हैं जो नीचे की तरफ डायरेक्टेड हैं. जब इसमें कोई इंसेक्ट आके लैंड करता है तो ये लिड क्लोज हो जाती है और वो इंसेक्ट इन हेयर्स में ट्रैप हो जाता है. द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड
by the digestive juices secreted in the pitcher. Such insect-eating plants are called insectivorous plants. You might have seen packets of mushrooms sold in the vegetable market. और आपने एक rotting wood पे fluffy umbrella-like patches को grow करते हुए भी देखा होगा. चलिए जानते हैं कि इन्हें किस टाइप के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है. Let us do an activity. Take a piece of bread and moisten it with water. उसको 2-3 दिन के लिए छोड़ देते हैं, जब तक ये fluffy patches appear ना होने लगे. ये patches white, green, brown या किसी और कलर के भी हो सकते हैं. जब हम इन patches को माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर देखेंगे तो हमें एक कॉटन लाइक थ्रेड स्ट्रक्चर दिखेगा जो पूरी ब्रेड पे फैला हुआ होगा. दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगी. इनका एक अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है. दे सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्यूशन. देन दे अब्सॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट. दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms take in nutrients in solution formed from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. Jo plants saprotrophic mode of nutrition ka use karke apna khana banate hain unhe saprotrophs bola jata hai. Fungi ko grow karne ke liye hot and humid condition ki zarurat hoti hai. Agar hum मटेरियल्स जैसे पिकल, लेदर एक्सेट्रा को लंबे टाइम के लिए हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन में छोड़ दें तो फंगी की ग्रोथ हो जाती है. आपने देखा होगा कि स्पेशली रेनी सीजन में कई सामानों पे फंगस लग जाती है. ये फंगल स्पोर्स जनरली एयर में प्रेजेंट होते हैं और जब ये वेट एंड वार्म थिंग्स पे लैंड करते हैं तो ग्रो करने लगते हैं. फंगी लाइक यीस्ट एंड मशरूम्स आर वेरी यूजफुल बट सम फंगी कॉज डिसीजेस इन प्लांट्स एंड ह्यूमंस. ऑन द अदर हैंड सम फंगी कैन बी यूज्ड इन मेडिसिन एज वेल. सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं. दिस रिलेशनशिप is called a symbiotic relationship. For example, एक type की fungi plants के roots में रहती है. Plants fungi को nutrients provide करता है. On the other hand, fungi plants को soil से पानी and nutrients absorb करने में help करती है. In organisms like lichens, एक partner algae जिसके पास chlorophyll होता है and दूसरा partner fungus साथ में रहते हैं. द फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गी एंड इन रिटर्न एल्गी प्रोवाइड्स फूड विच इज प्रिपेयर्ड बाय फोटोसिंथेसिस. आपने फार्मर्स को मैन्यूअर या फर्टिलाइजर फील्ड में डालते हुए देखा होगा या फिर गार्डनर्स को इन्हें यूज करते हुए देखा होगा. डू यू नो वाई दे आर एडेड टू द सॉइल? We know that plants absorb minerals and nutrients from soil, so their amount in the soil keep on declining. Fertilizers and manure contain plant nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus. These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil, so that hum plants ko grow kar saken aur unhe healthy rakh saken. यूजुअली क्रॉप्स को बहुत सारे नाइट्रोजन की जरूरत होती है. हार्वेस्ट के बाद वहां की सॉइल नाइट्रोजन डेफिशिएंट हो जाती है. ऑल्दो नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में हवा में अबंडेंट है बट स्टिल प्लांट्स उन्हें यूज नहीं कर सकते. दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्युएबल फॉर्म. द बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को सॉल्युएबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है बट राइजोबियम अपना फूड नहीं बना सकता. सो ये ग्राम पीज मूंग
बीन्स और बाकी लेग्यूम्स की रूट में रहता है एंड उन्हें नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। मोस्ट ऑफ द पल्सेस या दाल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। दे डू हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। दिस एसोसिएशन इज ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर फार्मर्स। उनको उन फील्ड्स में फर्टिलाइजर्स डालने की जरूरत नहीं होती जहां पे लेग्यूमिनस प्लांट्स ग्रो किए गए हों। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। ओनली अ फ्यू प्लांट्स अडॉप्ट अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन लाइक पैरासिटिक और सेप्रोट्रॉपिक। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। सारे एनिमल्स को हीटरोट्रॉप्स बोला जाता है बिकॉज ये बोथ प्लांट्स या दूसरे एनिमल्स पर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए।